पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के सीमल ढाब में पति ने नोकझोंक में अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आपसी नोकझोंक में पति ने पत्नी को धक्का मारा, जिसके बाद पत्नी अर्धनिर्मित घर के पिलर में गिर गई, जिसके बाद चोट लगने से उसकी मौत हो गई। हिरणपुर थाना प्रभारी अमर कुमार मीन ने जानकारी देते हुए कहा कि हत्यारे पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बतलाया गया है कि आपसी नोकझोंक के दौरान बस धक्का दे देने से मृतिका मोनित पासकी का जो पैर है फिसल करके एक अर्धनिर्मित मकान के प्लिंथ में लग गया, जिसके वजह से मृत्यु होना बतलाया जा रहा है। इस संबंध में हिरणपुर थाना में कांड दर्ज किया गया है और अभी इसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पलामू जिले के पांकी प्रखंड के कोनवाई गांव के सतबहिनी नाला पर जल संसाधन विभाग द्वारा बनाए जा रहे चेक डैम निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया है। शुक्रवार को कोनवाई और पिपरा कला के ग्रामीणों ने चेक डैम निर्माण का विरोध करते हुए कार्यों को रोक दिया। ग्रामीणों ने घंटों निर्माण स्थल पर हंगामा किया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए जेई राघवेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। संवेदक से एस्टिमेट दिखाने की मांग पर ग्रामीण अड़े रहे, लिहाजा जेई को वापस ही लौटना पड़ा। हजारीबाग में गरीब फुटपाथ संघ ने निगम कार्यालय का घेराव किया है। हजारीबाग गरीब फुटपाथ संघ के द्वारा निगम कार्यालय का घेराव कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में फुटपाथ व्यवसायी मौजूद रहे। उनकी मांग है कि नगर निगम के द्वारा काफी सालों से उनको कहा जा रहा है या आश्वासन दिया जा रहा है कि वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, लेकिन अब तक इसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर वेंडिंग जोन बनाकर नहीं दिया गया तो ये उग्र आंदोलन करेंगे। 40 सालों से काम कर रहे व्यवसायी ने कहा कि वेंडिंग जोन नहीं बनने से उन्हें काफी तकलीफ होती है और नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाकर उन्हें बार बार हटा दिया जाता है, जिससे उन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। आज 40 वर्षों से ये ड्रामा देखते चला आ रहा हूँ। काफी इन्होंने नगर निगम के द्वारा ठगा किया, आज नया ठगी का मामला हो गया है। इन्होंने पेपर बनाने के लिए कार्ड बना करके हम लोग को ठगा जा रहा है। गरीब फुटपाथों को आश्वासन दिया जा रहा है, वेंडिंग जोन 6 जगह का जगह चला गया है, चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन किसी जगह पर आज तक के कुछ बनाया नहीं गया है। हम लोगों को परेशान किया जाता है, क्योंकि हमेशा इस तरीके से जितने भी नगर आयुक्त आते हैं करके चले जाते हैं, किसी तरीके का हम लोगों का आश्वासन को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसलिए आज बाध्य होकर के हम आज हजारीबाग जिला नगर निगम के अधीन हम लोग एक जन आक्रोश रैली लेकर आया हूं और इस सभा को संबोधित करने के लिए तमाम सामाजिक एवं राजनीतिक दल के नेताओं लोग भी मदद कर रहे हैं। पाकुड़ में स्कूली छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सदर अस्पताल पाकुड़ में स्वास्थ्य के बारे में विशेष जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं को एड्स, दांत संबंधित, इसके अलावा हार्मोन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे बच्चों को काफी ज्ञान मिला। चिकित्सा है, उन्होंने हम लोगों को दांत के बारे में बहुत सारा चीज़ों के बारे में बताया, जैसे कि दांत में कीड़ा कैसे लगता है एवं कि जो ब्रश है उसका एक्सपायरी डेट क्या है एवं अन्य चीज़ों के बारे में। हमारे जो डॉक्टर हैं उन्हें हम लोगों को हार्मोन्स के बारे में भी जानकारी दी, जिनमें से हम लोगों को बहुत सारे चीज़ों का पालन करना भी सिखाया एवं दांत कैसे धोना है, किस दातुन इस्तेमाल करना या ब्रश, जिसमें से सर ने हमें सलाह दी कि आप ब्रश का इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है और दो बार ब्रश कीजिए, खाना खाने के बाद कुल्ला कीजिए एवं हमें और भी सारी जानकारियाँ दी। इनमें से कुछ मुख्य जानकारियाँ थी। हाँ, उन लोगों को मैंने हरिंदगा हाई स्कूल से आए थे तो उन लोगों को मैंने बताया HIV एड्स क्या होता है और यौन रोग के बारे में भी बताया कि उसका इलाज यहाँ होता है सदर अस्पताल पाकुड़ में, जो है हर तरह का ऑपरेशन होता है और दांत के डॉक्टर भी जो है जानकारी दिए। इतना ही।